आज मैं क्लास वन को मॉरल साइंस पढ़ाने जा रही हूँ, चैप्टर टू आई लव माय पेरेंट्स। मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को आई लव माय पेरेंट्स बुक में आपका स्टोरी था उसको मैंने समझा दिया था, कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे उसको भी मैंने करवा दिया था। आज मैं आप लोग को वर्ड मीनिंग और फिलिंग द ब्लैंक्स करवाऊँगी, ठीक है। इसको आपको अपने कॉपी में नोट डाउन करना है और लिखना है और इसको लर्न करना है, ठीक है। देखिए, किंग का मतलब क्या होता है? राजा। क्या होता है? किंग का मतलब राजा। एल्डेस्ट का मतलब घर का सबसे बड़ा। घर का सबसे बड़ा मतलब आपके दीदी भैया होंगे ना, वो आपसे बड़े हैं, तो एल्डेस्ट का मतलब क्या होता है? बड़ा, ठीक है। बूंस का मतलब क्या होता है? वरदान, ठीक है ना। किसी चीज़ का किसी को वरदान मिलता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? बूंस, ठीक है। प्रॉमिस का मतलब क्या होता है? वादा किया हुआ। अगर हम किसी से कोई वादा करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉमिस। अपसेट, अपसेट का मतलब क्या होता है? परेशान, ठीक है। सैड, सैड का मतलब क्या होता है? उदास। हैप्पी, हैप्पी का मतलब क्या होता है? खुश। अगर हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? हैप्पी, ठीक है। फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है? जंगल। किंगडम, किंगडम का मतलब राज्य। ग्रेट, ग्रेट का मतलब महान, ठीक है ना। आइए फिलिंग द ब्लैंक्स देखते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स देखिए, ये आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। इसको आपको अपने कॉपी में नोट डाउन करना है। रामा डैश वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ दशरथ। राजा दशरथ के सबसे बड़ा बेटा का क्या नाम था? रामा। क्या था? रामा। दशरथ डैश टू बोन्स कैके। बोन से प्रॉमिस किए थे ना कि उनको दो वरदान देंगे, तो क्या हो गया फिर? प्रॉमिस। आफ्टर डैश ईयर्स ही रिटर्न टू द किंगडम। वो कितने साल बाद आए थे? 14 ईयर्स। डैश वॉन्टेड टू मेक हर सन भरत द किंग। वो कौन अपने